Dear children, every day we learn and read different subjects. Today we will do the same, but the style of learning will be different. तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि ग्रामर का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है. पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि What is parts of speech? Parts of speech आखिर है क्या? तो इसके समझने के लिए भी हमें एक छोटा सा example देना होगा. जैसा कि एक पेड़ होता है तो उसमें भी उसके कई parts होते हैं, कई parts में वो divide होता है. जैसा कि roots, stem, branches, leaves, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. ठीक उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच भी उसी पेड़ की तरह से है जो कि एक ग्रामर को पूरा करने में हेल्प करती है. इसके बाद हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी तरह की होती हैं. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर एंड व्हाट आर दे. There are 8 parts of speech. They are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. तो सबसे पहले parts of speech की हम सबसे पहले family member के बारे में बात करेंगे और वो है noun. अब next question हमारे लिए ये होता है कि वॉट इज़ नाउन. आखिर नाउन क्या है? तो इसके लिए नाउन वो चीज़ है जिसके बारे में हम कभी किसी इंसान को, किसी जगह के को, किसी जानवर को या फिर कोई भी चीज़ को अगर नाम देते हैं वही नाम नाउन कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आगरा, टाइगर, राहुल, चेयर एक्सेट्रा. अब नाउन के भी अपने उसमें 5 मेंबर्स हैं, फैमिली में 5 मेंबर्स हैं. और वो मेंबर्स कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सबसे पहले हम लेंगे प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर का अपने आप में ही मतलब है ख़ास. तो जब हम किसी को नाम देते हैं या उसके लिए कुछ ख़ास, तो वो उसके लिए कुछ ख़ास हो जाता है. फिर चाहे वो किसी का नाम हो, किसी चीज़ का हो या फिर किसी जगह का हो, वो ख़ास हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे दिल्ली, राम एक्सेट्रा. इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी ख़ास के बारे में जब बात करते हैं तो हम उसके नाम से उसको बुलाते हैं. नाउन विच स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग इज प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट, सेकेंड वन इज़ कॉमन नाउन. जैसा कि कॉमन वर्ड से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कॉमन वर्ड का मतलब होता है जिससे हम हर किसी की राय एक जैसी होती है या फिर उसके बारे में एक जैसा सोचते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे चेयर. अगर हम ये कहते हैं कि बैठने वाली चीज़ का क्या नाम है तो हर कोई उस बात पर एक ही बात कहेगा, चेयर. तो ये होता है कॉमन नाउन, नाउन विच इज़ कॉमन टू ऑल. इसके अलावा दूसरा एग्ज़ाम्पल ये है कि जब हम पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो सबके लिए कॉमन है, उसमें कोई अलग नहीं है. नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव का मतलब है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना या फिर एक जगह रखना. एग्ज़ाम्पल, बंच ऑफ फ्लावर्स या बंच ऑफ कीज और मॉब ऑफ क्राउड. या कहते हैं लोगों के फूलों का, जब गुलदस्ते के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कई कई फूल हम गुलदस्ते में इकट्ठा करके और उसको एक जगह लगाते हैं. या जब बहुत भीड़ भाड़ का मौका होता है, इलाका होता है, तो वो
कलेक्टिविटी वहाँ पर होती है, लोगों की गैदरिंग होती है और उसी को हम कलेक्टिव बोलते हैं। अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। जब हम किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं, ज़रूरी नहीं है वो बना बनाया हो, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको पूरे एक रॉ फॉर्म में भी ख़रीद सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि हम जब किसी चीज़ को रॉ ख़रीदते हैं, कच्चे रूप में ख़रीदते हैं और उसको हम अपने आप से मैन्युफैक्चर करवाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, सिल्वर, वुड। वुड में की बात जब हम करें तो जब हम अपने घर में फर्नीचर बनवाते हैं तो सबसे पहले उसके लिए हम लकड़ी ख़रीदते हैं और उसके बाद में जैसा हम चाहते हैं वैसा हम अपने लिए फर्नीचर तैयार करवाते हैं। तो ये होता है मटेरियल नाउन। अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। लास्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट अपने आप में जो इसका ख़ुद का मतलब ये है कि हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना ही हम इसको देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रुथ सच्चाई, स्ट्रेंथ ताकत। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि हम सिर्फ महसूस कर पाएंगे या फील कर पाएंगे, लेकिन हम इसको कभी छू नहीं पाएंगे और ना ही देख पाएंगे। तो वो चीज़ें जिसके बारे में हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना ही उसको देख सकते, ना ही हम उसको छू सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। नाउन विच वी कैन नाइदर सी नॉर टच, बट वी कैन ओनली थिंक अबाउट इट और जस्ट फील अबाउट इट। सो टुडे स्टूडेंट्स, वी विल एंड अप आवर लेसन हियर एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज प्रोनाउन ऑन द नेक्स्ट टर्न। दिस वीडियो इज मेंट और हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th to 8th स्टैंडर्ड। सो स्टूडेंट्स वॉच द वीडियो केयरफुली एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।